नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर वन और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ हूं मैं सोनल दहिया। इस महीने के आखिर या सितंबर में कोरोना की तीसरी लहर दस्तक दे सकती है। वैज्ञानिकों ने इसकी चेतावनी जारी कर दी है। तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य महकमा और सरकार बार बार कोरोना नियमों का पालन करने की अपील कर रही है, तो वैक्सीन लगवाने की भी अपील की जा रही है। इंडिया न्यूज भी सभी दर्शकों से अफवाहों पर ध्यान न देकर टीका लगवाने की अपील कर रहा है। इसीलिए आपकी सेहत की फिक्र करते हुए हमने खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर की शुरुआत की है। अगर आपको या परिवार में किसी को भी स्वास्थ्य संबंधित कोई भी परेशानी है तो हमारे खास शो डॉक्टर से सीधे बात कर सकते हैं। आप वैक्सीन या कोरोना संबंधित जानकारी भी डॉक्टर से ले सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं तीसरी लहर से निपटने के लिए हरियाणा सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। ग्राफिक्स के जरिए एक बार आपको बताते हैं। लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाने के लिए लगातार सरकार की तरफ से कवायद जारी है, कोशिशें जारी हैं। टेस्टिंग लैब की संख्या को बढ़ाया गया है। वहीं आपको बता दें कि कोविड देखभाल केंद्रों में बढ़ोतरी की गई है। कोविड संक्रमण आकलन के लिए सर्वे भी किया जा रहा है। तो सरकार की तरफ से क्या कोशिशें की जा रही हैं वो आपको हम बता रहे हैं। लगातार तमाम सरकारों की तरफ से प्रयास यही है कि तीसरी लहर से निपटने के लिए मुकम्मल इंतजामात हों ताकि तीसरी लहर का असर कम से कम आए लोगों पर। और इसी के चलते हरियाणा सरकार की तरफ से क्या कोशिशें की जा रही हैं वो आपको हम ग्राफिक्स के जरिए एक नज़र डाल रहे हैं। गरीबों को मुफ्त में चिकित्सा और उपचार मुहैया करवाने की बात कही गई है सरकार की तरफ से। ऑक्सीजन हेल्पलाइन की स्थापना भी की गई है। टीकाकरण अभियान पर जोर दिया जा रहा है। डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर स्थापित किए गए हैं। तो दूसरी लहर को किस तरीके से हराया, क्या इंतजाम किए गए सरकार की तरफ से, क्या कोशिशें की गई वो आपको हम बता रहे हैं। सभी जिलों के अस्पतालों में 24,000 से ज्यादा कोविड बेड मरीजों के लिए रखे गए। अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में बेड की क्षमता को बढ़ाया गया है। आवश्यक उपकरण दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। तो कोशिश यही हुई सरकार की तरफ से कि कोरोना से निपटने के लिए मुकम्मल इंतजामात हों, लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। और अब चूंकि तीसरी लहर का अनुमान जता दिया गया है, अक्टूबर महीने में कहा जा रहा है कि जो मामले हैं वो पीक पर होंगे, और ऐसे में सरकारों के सामने ये एक बड़ी चुनौती भी है कि कैसे इन मामलों को कम से कम किया जाए, लोगों को जो नुकसान हो वो कम से कम हो। और इस दौरान किस तरीके की कोशिशें रही सरकार की तरफ से, हर डिपार्टमेंट की तरफ से कोशिश यही रही कि कोरोना से निपटने के लिए मुकम्मल इंतजामात हों, चाहे वो बात आशा वर्कर्स की हो या फिर स्वास्थ्य महकमे से जुड़े लोगों की हो। 13 मिलियन लोगों की जांच करवाई गई, ये आंकड़ा सामने आया दूसरी लहर के मद्देनज़र। 13 मिलियन लोग ऐसे थे जिनकी कोरोना की जाँच की गई है। 450 मोबाइल स्वास्थ्य टीमें बनाई गई, तो हर घर जाकर जो लोगों से बात कर सकते हैं। 450 मोबाइल स्वास्थ्य टीमें बनाई गई और साथ ही राज्य और जिला स्तरीय निगरानी समितियों का गठन भी किया गया। राज्य और जिला स्तरीय निगरानी समितियों के गठन के साथ ही कोशिश यही हुई कि तमाम जो कोशिशें की जा रही हैं वो किस दिशा में जा रही हैं, कैसे काम हो रहा है, इसको लेकर सरकार नजर बनाए। मरीजों की जाँच के लिए होम आइसोलेशन टीमें बनाई गई, रोगियों को होम आइसोलेशन किट भी मुफ्त में दी गई। तो ये तमाम वो कोशिशें, तमाम वो प्रयास जो कि सरकार की तरफ से इस कोरोना काल में किए गए, ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाने के लिए कदम उठाए गए सरकार की तरफ से। ऑक्सीजन की किल्लत भी कई जगहों पर देखने को मिली, नौ ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र भी स्थापित किए गए। तो जिस तरह से ये आपदा आई उसी के बीच से अवसर तलाशने की कोशिश भी हुई सरकार की तरफ से कि कैसे नई चीज़ें डेवलप की जाएं ताकि आगे आने वाले समय में लोग कोरोना से
जिस तरीके से परेशान हुए हैं पिछली दो लहर की बात करें तो वो तीसरी लहर में देखने को ना मिले, इसके लिए सरकारें अपनी अपनी तरफ से मुस्तैद हैं। देखिए ये तमाम वो कोशिशें, तमाम वो प्रयास हम सरकार की तरफ से बता रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से लगातार हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि कोरोना को हल्के में ना लें, क्योंकि कोरोना की जो स्थिति है वो आने वाले समय में गंभीर हो सकती है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये WHO ने अनुमान जता दिया है, तमाम जो हमारे दुनिया भर के साइंटिस्ट हैं वो ये बात कह रहे हैं कि लोगों को संभलने की और सजग रहने की ज़रूरत है, सख्ती से लॉकडाउन का पालन करने की ज़रूरत है। ये वो कोशिशें हैं जो सरकार की तरफ से की गई, चाहे वो टेस्टिंग लैब की बात हो। और हमारे साथ डॉक्टर्स का एक खास पैनल लगातार इस कार्यक्रम में जुड़ता है हर दिन। आज हमारे साथ डॉक्टर अश्विना हैं, गायकोलॉजिस्ट हैं, हमारे साथ जुड़ गई हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर अश्विना। डॉक्टर अश्विना, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हेलो, हाँ, यू ऑडिबल। डॉक्टर अश्विना, आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज हरियाणा पर। थैंक यू। मैं डॉक्टर अश्विना, गायनेकोलॉजिस्ट, एंड अभी मैं यहाँ गुरु नानक अस्पताल जो पलवल में है वहाँ पे अपनी सर्विसेज दे रही हूँ। और उससे अभी जो ये न्यूज चैनल आप लोगों को गांव-गांव तक और हर जगह तक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कोरोना के बारे में, थर्ड वेव के बारे में, उससे रिलेटेड अवेयरनेस के बारे में, तो कोरोना से रिलेटेड जो भी प्रेगनेंसी और बच्चों से रिलेटेड क्वेरीज होंगी उसका मैं समाधान करूंगी। जी डॉक्टर अश्विना, अभी जो स्थिति बनी है कोरोना को लेकर उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आने वाले समय में लोग जो है वो अभी भी समझने को, संभलने को तैयार नहीं है। लगातार हमारे वैज्ञानिकों की तरफ से दावा किया जा रहा है कि जो अक्टूबर का महीना होगा बहुत खतरनाक होगा, लेकिन इस बीच जो हरियाणा में आंकड़े आ रहे हैं, चूंकि आंकड़े बहुत कम भी हो गए हैं, पूरे देश भर में कैसे देख रहे हैं इन तमाम परिस्थितियों को आप? एक्चुअली ये है कि थर्ड वेव की एक्सपेक्टेशन काफी टाइम पहले से, जब हमारी सेकेंड वेव आई थी उस समय अपनी कंट्री की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। किसी के पास बेड नहीं थे, वेंटिलेशन नहीं था, एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि इंडिया उतना प्रिपेयर्ड नहीं था। जो सडन नंबर ऑफ केसेस इतने ज्यादा बढ़ गए और जो हमारी अवेलेबिलिटी थी वो हो नहीं पाई, तो इसलिए थर्ड वेव में अभी इंडिया ऑलमोस्ट प्रिपेयर्ड है। वैक्सीनेशन भी मैक्सिमम जनरेशन को लग चुकी है, बस जो यंगर चिल्ड्रन हैं बिलो 18 उनको नहीं लगी है। मोस्ट ऑफ द स्टेट में जो है, स्टेट वाइज ऑल्सो और सेंट्रल ऑल्सो, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी, वेंटिलेटर्स की अवेलेबिलिटी ये सब बढ़ा दी गई है, इसलिए थर्ड वेव के लिए ज्यादातर लोग अभी प्रिपेयर्ड हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि लोग ये मान के चले कि थर्ड वेव आएगी तब देखा जाएगा, पहले से ही हमें सावधानी रखनी चाहिए तो कि अभी ये स्प्रेड ना हो, क्योंकि कोरोना वायरस एक ऐसा है जिसमें की वेरिएशन होते हैं, सेम स्ट्रेन बार बार नहीं आता है, उसमें नए नए म्यूटेशन होते हैं और नया वेरिएशन आता है। एक बार जिसको ऑलरेडी, कुछ ऐसी चीजें होती है जिसमें ये होता है कि इन्फेक्शन एक बार हो गया तो नेक्स्ट नहीं हो सकता, बट क्योंकि ये कोरोना जो वायरस है ये म्यूटेशन ले रहा है, उसके नए वेरियंट जो अभी आ रहे हैं वो डेल्टा वेव आ रही है, उसकी सिवियरिटी पहले के स्ट्रेन से ज्यादा है, इसलिए हमें पहले से प्रिपेयर रहना चाहिए ताकि ये स्प्रेड ना हो। जो भी WHO के आंकड़े हैं और इसके अकॉर्डिंग अक्टूबर, मतलब सितंबर अक्टूबर में थर्ड वेव की एक्सपेक्टेशंस हैं। जी ठीक है डॉक्टर अश्विना, मैं लौटूंगी आपके पास। डॉक्टर राज मेहता चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर राज मेहता, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज हरियाणा पर। डॉक्टर राज मेहता, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच पा रही है? जी। देखिए अगर हम कोरोना की तीसरी लहर के अनुमान आशंका की बात करते हैं डॉक्टर राज, तो आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है इस पर चर्चा करना कि बच्चों पर किस तरीके का प्रभाव रहेगा। बहुत सारी स्टडीज़, बहुत सारे दावे ऐसे पहले आए कि बच्चों पर बहुत बुरा असर पड़ने वाला है, इसी बीच कुछ राहत की खबरें भी सामने आई, लेकिन अभी फिलहाल स्टडी लगातार चल रही है और हमने देखा भी कि बच्चों पर प्रभाव कहीं ना कहीं नज़र भी आया। आप क्या देखते हैं इस कोरोना काल को, अगर हम बच्चों की हेल्थ को स्पेसिफिकली देखें? देखिए जैसे हमने डिस्कस किया था पहले भी, ये जो
सिचुएशन है अभी जो थर्ड वेव की आशंका जताई जा रही है, और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि फिर से केसेस बढ़ने शुरू हो गए हैं, डेल्टा वेव की भी आशंका है क्योंकि डेल्टा वायरस इस वक्त सबसे ज्यादा म्यूटेंट वायरस है जो पाया जा रहा है केसेस के अंदर पॉजिटिव, तो ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि हम अगर इससे बचना चाहते हैं तो बच्चों के लिए खासतौर पर इस वक्त क्योंकि अभी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है तो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का इस्तेमाल, सैनिटाइजेशन, यही एक सबसे आसान और कारगर उपाय है। तो हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि हमें जितना हो सके हमें बच के रहना है, हमें बाहर सोशल गैदरिंग्स में अब नहीं जाना है, मास्क का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करना है। तो यदि हम इन बातों का ध्यान रखेंगे तो शायद हम इस वेव को भी हराने में कामयाब हो सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर राज, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये हो रही है कि बच्चों को उस वक्त तक वैक्सीनेट किया जा सके। इसी बीच बहुत सारी कुछ दिक्कतें भी आ रही हैं, लेकिन आप इस खतरे को कैसे देख रहे हैं कि बच्चों के वैक्सीनेशन अगर प्रॉपर हो जाता है तो ये खतरा कितना कम हो सकता है आगे आने वाले समय? जी देखिए, वैक्सीनेशन में अभी थोड़ा सा समय लगेगा, तो वैक्सीनेशन की तैयारियां चल रही हैं, एक वैक्सीन के लिए अप्रूवल भी आया है अभी, तो इस तरह की चीजें चल रही हैं। अभी जब तक बच्चों के लिए फुली कवरेज के लिए नहीं शुरू हो जाता है प्रोग्राम, तब तक जी मेरी अपने दर्शकों के लिए यही सलाह रहेगी कि जहां तक हो सके वो सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें, और कोरोना से हमने पिछले वेव में भी मेहनत की है और इस वेव को हराया है, यदि हम फिर से ऐसी ही कोशिश करेंगे तो जरूर हम कामयाब होंगे। बिल्कुल, यही एक उम्मीद जताई जा रही है डॉक्टर राज। डॉक्टर अश्विना, आपका मैं रुख करना चाहूँगी। देखिए, इस कोरोना काल में बहुत सारे सवाल हैं जो महिलाओं के जहन में आते हैं और आप उस पर बहुत बारीकी से नज़र रखती हैं एज अ डॉक्टर, तो आप क्या कहना चाहेंगे? COVID-19 की जो वैक्सीन है उसके बाद से बहुत से लोगों को ये भी अंदेशा है कि इससे फर्टिलिटी पर प्रभाव पड़ता है, प्रेगनेंसी पर असर आता है, तो आप एज अ डॉक्टर क्या मानती हैं? देखिए, कोरोना के वैक्सीन से क्या इफेक्ट आता है इससे बहुत ज्यादा एकदम स्ट्रिक्टली बोल पाना संभव नहीं है क्योंकि अभी रिसर्च हो रहे हैं इस पे, लेकिन अब तक जितनी रिसर्च हुई है उसके अकॉर्डिंग शुरू के 3 मंथ्स जो होते हैं प्रेगनेंसी में, स्टार्टिंग के 3 मंथ्स लाइक फर्स्ट ट्राइमेस्टर, उसमें हमारी ऑर्गेनोजेनेसिस होती है, तो उस पे कमेंट कर पाना कि कोरोना वायरस कितना अफेक्ट करता है कितना नहीं कर पाता है ये अभी इस समय मुश्किल है। इसलिए हम लोग ये बोलेंगे कि वैक्सीनेशन या फिर इन्फेक्शन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अवॉइड करना बेस्ट होगा, बिकॉज अभी हमें रिजल्ट नहीं पता है उसके, आगे चलते जब नंबर ऑफ केसेस मिलेंगे और उसके अकॉर्डिंग रिसर्च वी विल गेट टू नो। लेकिन सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर में इस वैक्सीनेशन से कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं है अब तक के रिसर्च के हिसाब से, तो कोई भी प्रेग्नेंट फीमेल जो कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर क्रॉस कर चुकी हैं वो बिल्कुल अपना कोरोना का वैक्सीन ले सकती हैं, और इवन वो जरूरी है। और इसके अलावा जब भी डिलीवरी का समय आता है जी, तो उसमें ये है कि अब ये अगला क्वेश्चन ये आता है कि अगर मदर को कोरोना है तो क्या उनके बच्चे को डिलीवरी के समय हो सकता है कि नहीं हो सकता है जी। तो जो अभी तक के रिसर्च है उसके अकॉर्डिंग एमनियोटिक फ्लूइड में या फिर ऐसी किसी जगह पे कोरोना वायरस नहीं पाया गया है, इसका मतलब जब तक बच्चा यूट्रस में है मदर से उसको इन्फेक्शन नहीं हो सकता है, लेकिन डिलीवरी के बाद से अगर मदर इन्फेक्टेड है तो जो बाकी लोगों के कॉन्टेक्ट से होता है जैसे उसकी वजह से बच्चे को हो सकता है मदर से, तो अगर प्रॉपर उस समय मदर इन्फेक्टेड है तो 14 डेज का जो आइसोलेशन पीरियड है वो फॉलो करना चाहिए, और उसके बाद से अगर ऐसा है कि आइसोलेशन पीरियड कंप्लीट हो चुका है देन मदर को बच्चे को ट्रीट कराना चाहिए, मास्क लगा के ट्रीट कराना चाहिए, हैंड हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए, रिलेटिव को बच्चे से मिलने नहीं देना है, या फिर कोई भी विजिटर्स आते हैं बच्चा नया पैदा हुआ है तो हर कोई देखने आता है, हर कोई गोद में उठा लेता है, ये सब चीजों का इस समय कुछ भी ध्यान देना चाहिए कि न्यू बॉर्न को ज्यादा किसी से दूर रखना है, मदर को ब्रेस्ट फीडिंग बहुत जरूरी है बिकॉज अगर हमने ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करी तो अदर डिजीजेस भी होंगी वो बच्चे को हो जाएंगी, इसलिए बच्चे की इम्यूनिटी मेंटेन है ब्रेस्ट फीडिंग करना बहुत जरूरी है। जी, बाकी सारे जो सोशल नॉर्म्स हैं उसको फॉलो करना है, मदर को मास्क लगाना है एंड डेफिनेटली उसको आगे करना है। बिल्कुल डॉक्टर राज, आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, यहाँ पर हम न्यू बॉर्न बच्चों की भी बात कर रहे हैं, तो उनकी हेल्थ को आप कैसे देख रहे हैं, आपकी ओपिनियन क्या है इस कोविड काल में कैसे बच्चों का ख्याल रखें? जी
जैसे कि मैम ने अभी बताया काफी अच्छे से, किस तरह से बच्चों को जरूर ब्रेस्ट फीडिंग करानी चाहिए, वो बहुत ही अच्छा रहेगा बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए न्यूबॉर्न की। परंतु एक छोटी सी चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता था कि जो न्यूबॉर्न है उनमें रेयर है, लेकिन कुछ केसेज ऐसे जा रहे हैं जहाँ पे मदर के थ्रू एंटीबॉडीज ट्रांसफर हो रही है और बच्चों को जन्म से ही निमोनिया जैसे कुछ लक्षण पाए जा रहे हैं। यदि आपके बच्चे को डिलीवरी के समय किसी भी प्रकार से कोई भी रिस्क फैक्टर है, जैसे कि उसके सांस तेज है, सांस लेने में दिक्कत है, तो कृपया उसे जरूर एक बार किसी चाइल्ड स्पेशलिस्ट को दिखा लें। बाकी जैसे मैम ने बताया कि डिलीवरी के पहले बीमारी ट्रांसफर होने का रिस्क अभी बहुत ही ना बराबर ही है, और ड्यूरिंग डिलीवरी पोस्ट डिलीवरी ही ज़्यादा रिस्क है। तो उस टाइम पे यदि हम सोशल नॉर्म्स का पालन करेंगे, मास्क लगाएंगे, हैंड वॉशिंग का ध्यान रखेंगे, विजिटर्स का नंबर जितना हो सके कम करेंगे, तो शायद हम बच्चों को अपने न्यूबॉर्न्स को इस बीमारी से बचा सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर राज सही कह रहे हैं आप, ये लोगों को समझने की ज़रूरत है। और डॉक्टर आप ज़्यादा बेहतर समझती हैं, क्योंकि अभी हम लगातार बात कर रहे हैं प्रेगनेंसी के मुद्दे को लेकर भी, लेकिन बहुत सी प्रेग्नेंट जो महिलाएं हैं उनके जहन में एक सवाल ज़रूर आता है कि अगर वो प्रेग्नेंट हैं तो क्या वो COVID-19 की वैक्सीन लें, क्या उनकी जान को खतरा हो सकता है वैक्सीन लेने से, ऐसी महिलाओं को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा मैंने अभी बताया कि प्रेगनेंसी में वैक्सीन का क्या इफेक्ट है, इसका फुल रिसर्च बाद में होगा, लेकिन अभी तक के रिसर्च के अकॉर्डिंग जो वैक्सीन जरूर लें, क्योंकि वैक्सीन लेने के बाद फ्यूचर में क्या होगा वो पता नहीं है, लेकिन अगर कोविड का इन्फेक्शन हो गया तो इसकी सिवियरिटी ज्यादा होगी। इसलिए सिर्फ फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी में वैक्सीनेशन अवॉइड करें, जो कि 3 मंथ्स का होगा, उसमें शुरू के 3 महीने नहीं लेना है। उसके बाद वैक्सीन जरूर लगवाएं, क्योंकि अपनी सेफ्टी उसके साथ होनी है, और प्लस उस समय वैक्सीन का बच्चे पे, गर्भ में पल रहे बच्चे पे ऐसा कोई असर अभी तक नहीं पाया गया है। बिल्कुल डॉक्टर अश्विन आप सही कह रही हैं, बहुत सारी स्टडीज इसको लेकर आ रही हैं। हमारे साथ दर्शक भी लगातार जुड़ना शुरू हो गए हैं। हिसार से हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्या सवाल है आपका? आप अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम करके सवाल पूछेंगे तो हम बेहतर सुन पाएंगे आपको। जी सवाल कीजिए। ये जो वैक्सीन है जो लगाने से कुछ ऐसे कोई परेशानी तो नहीं होती ना? हम इसी पर अब लगातार डिस्कस करते हैं, वैक्सीन लगवाने से आपको कोई परेशानी नहीं, आप वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, पहले से किसी बीमारी से आप ग्रसित हैं, तो आप डॉक्टर की सलाह लेकर लगवाएं, लेकिन वैक्सीनेशन सबके लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े हैं। तो बहुत सारे सवाल लोगों के जहन में है और वैक्सीन को लेकर तो अभी तक भ्रम जो है वो दूर नहीं हुए हैं। जो बच्चे बच्चों की देखिए अगर हम बात करते तो हमारे साथ डॉक्टर्स लगातार जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राज मेहता, अब बहुत सारे लोगों के जहन में सवाल आता है वैक्सीनेशन को लेकर, अभी भी लोग डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, लेकिन बच्चों के वैक्सीनेशन पर लगातार जोर दिया जा रहा है, ऐसे में आप क्या मानते हैं? क्योंकि बच्चों के लिए वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी हो गया, यही एक सुरक्षा चक्र बचा हुआ है। कितने परसेंट बच्चों का वैक्सीनेशन प्रॉपर होना ज़रूरी होगा ताकि हम इन्फेक्शन से ज़्यादा बच्चों को बचा पाएं? जी यहाँ पे मैं एक जनरल कमेंट करना चाहता हूँ कि ये भारत देश में देखिए, मैं खुश हूँ कि लोग जागरूक हैं, सवाल पूछते हैं वैक्सीन को लेकर, उनके मन में जो आशंकाएं हैं वो खुल के पूछते हैं, ये एक जागरूक लोकतंत्र की निशानी है। लेकिन दूसरी तरफ हम लोग जब वैक्सीन नहीं थी तो हम लोग वैक्सीन के लिए वेट कर रहे थे, उसके लिए ढूंढ रहे थे, बच्चों के लिए वैक्सीन नहीं थी, और जब थर्ड वेव की आशंका थी तो हम लोग पूछते थे कि वैक्सीन कब आएगी बच्चों की, कैसे दे पाएंगे उनको जल्दी से जल्दी। परंतु अब वैक्सीन आए इतना समय हो चुका है, अभी भी लोगों के मन में आशंकाएं चल रही हैं। तो आप जो अपने चैनल के माध्यम से, और हम लोग भी कोशिश करते हैं, सरकार भी अपने माध्यम से जनता को जागरूक करने की लगातार कोशिश कर रही है, तो ये जरूरी है कि हम अभी भी इस प्रोसेस में कम नहीं रहे हैं। हम अभी भी लोगों के मन में जो फैले हुए अंधविश्वास हैं या कोई उनके मन में अधिनिप्त हैं तो हम उनको दूर करें, और उनके मन में जो वैक्सीन को लेकर कोई भी संकोच है उस पर डिस्कस करेंगे। हमारे साथ जोगिंदर एक दर्शक जुड़ गए हैं। जोगिंदर जी आपका स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी डॉक्टर साहब, जैसे कोरोना हो गया था जी पहले, तो वो कोरोना अभी ऑक्सीजन नहीं उतर रही, उसका क्या हाल है, कितना टाइम लगता है, इसके बारे में कोई जानकारी दोगे जी? डॉक्टर राज इनका सवाल ये है कि इनको कोरोना हुआ था लेकिन उसके बाद से भी इनको फीवर आ रहा है, कुछ परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, उनको पूरी तरीके से दुरुस्त होने में कितना समय लगेगा, ये सवाल। ओके
तो जो हमने देखा है अभी तक कि लगभग 1% केसेस ऐसे हैं जिनके अंदर पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन कुछ रह जाती हैं, जिसके लिए लंबे समय तक थोड़ा इंतजार करना पड़ता है। वो समय लंबा 1 महीने से लेकर और कई बार 6 महीने तक भी देखा गया है। आमतौर पर देखा गया है कि बाकी रिकवरी होने के बाद इस तरह के जो थोड़े सिम्टम्स अगर रह भी जाते हैं तो वो धीरे धीरे समय के साथ इम्प्रूव करते हैं। अच्छा रहेगा कि हम अपने डाइट पे ध्यान दें, लाइफस्टाइल पे ध्यान दें, कुछ रेगुलर ब्रीदिंग एक्सरसाइज जैसे योगा प्राणायाम का सहारा ले सकते हैं या सुबह उठ के नॉर्मल वॉक कर सकते हैं। जिस भी तरह का अभी इनका करंट स्टेटस है, यदि ये अपने आप को फिट महसूस करते हैं तो थोड़ा एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, अदरवाइज सिंपल योगा प्राणायाम करते हुए जो है अपने शरीर की जो लंग कैपेसिटी है उसको फिर से बढ़ाने के लिए कोशिश कर सकते हैं और धीरे धीरे ये सिम्टम्स भी चले जाएंगे। बिल्कुल, पोस्ट कोविड लोगों को ख्याल रखने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि कोरोना के बाद भी बहुत सारे इफेक्ट्स रह जाते हैं जिनसे दुरुस्त होने में समय लगता है। डॉक्टर अश्विना, अगर महिलाओं की बात करते हैं, महिलाओं में भी हालांकि संक्रमण की दर है जो वो कम देखी गई और अभी जो वैक्सीनेशन की दर है वो भी कम देखी जा रही है, पुरुषों के मुकाबले महिलाएँ जो हैं वैक्सीनेशन में ज़्यादा ही चकती हुई नज़र आ रही हैं। पोस्ट कोविड की अगर हम बात करते हैं तो महिलाओं में किस तरीके के कॉम्प्लिकेशन, अगर वो किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं तो उनको कैसे खास ख्याल रखने की जरूरत है? महिलाओं में वैक्सीनेशन कम होने का एक रीजन ये है कि एक तो प्रेगनेंसी, ज्यादा से ज्यादा महिलाएं जो प्रेग्नेंट हैं वो अवॉइड कर रही हैं वैक्सीनेशन, उनको ऐसा डर लग रहा है कि कहीं बच्चे को कुछ ना हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। दूसरा, बहुत सारी महिलाओं का एक ये भी रहता है कि क्या हम महीने के अपने पीरियड्स के टाइम पे किस कौन से दिन में ले सकते हैं वैक्सीन, कब नहीं ले सकते हैं, तो पीरियड से भी उनको रिलेट कर रहे हैं लोग। तो पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि प्रेगनेंसी का तो मैंने क्लियर कर दिया, पीरियड से भी वैक्सीन का कोई रिलेशन नहीं है, किसी भी पीरियड के दिन किसी भी समय ले सकते हैं। पोस्ट कोविड जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो चाहे फीमेल्स हो या मेल्स हो, बिल्कुल इस पर हम बात करेंगे। डॉक्टर अश्विना, एक दर्शक हमारे साथ निरंजन जुड़ गए हैं। निरंजन जी, आपका स्वागत है, क्या पूछेंगे आप? हाँ, मेरा नाम है निरंजन देवनाथ मैम जी। तो मैम, मेरे को पूछने का था जो वैक्सीनेशन का बात कर रहे थे, तो वैक्सीनेशन हम लोग तो बहुत लेने के लिए बहुत ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन अपना जो रजिस्ट्रेशन करने के लिए बोला वो तो मिल नहीं रहे मैम। हम आपको सही से सुन नहीं पा रहे निरंजन जी, आप एक बार फिर से अपना सवाल पूछिए। मेरा बोलने का सवाल है, जब हम लोग वैक्सीनेशन लेने के लिए बोल रहे थे तो तकलीफ नहीं होगा, तो जो हम लोग वैक्सीन लेने तैयार है लेकिन हम लोग वैक्सीन तो नहीं मिल रहा है मैम। वैक्सीन नहीं मिल रहा है? नहीं, ये सवाल है आपका? हाँ, और रजिस्ट्रेशन करने के लिए बोल रहे हैं, वो रजिस्ट्रेशन भी कई जगहों पर वैक्सीन की किल्लत नजर आ रही है और सरकारों की तरफ से कोशिश हो भी रही है कि जल्द से जल्द उसको दुरुस्त किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े हैं। बूटा सिंह एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। बूटा सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्या पूछेंगे आप? हाँ जी, नमस्कार मैम जी। हाँ जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम करके सवाल कीजिए। देखिए, जो भी दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं हम एक बार फिर से अनुरोध उनसे कर रहे हैं, टीवी सेट का वॉल्यूम कम करें और फिर सवाल करें। कि मेरे मन में कंफ्यूजन है, लोग ये बता रहे हैं कि वैक्सीन टीका लगने के बाद जी, अच्छा मैं ये क्वेश्चन है कि मतलब टीका लगने के बाद वो 2 साल तक की आदमी की उम्र है, उसके बाद परेशानी हो रही है, ऐसा पूरा एकदम मोबाइल पे आया है मेरे को मैसेज वगैरह सारा कुछ, यही भ्रामक जो जानकारियां है ना, यही परेशानी का विषय है देश में, क्योंकि हम हमारे कार्यक्रम का भी यही मकसद है, हम कोशिश यही कर रहे हैं कि जो भी आपके व्हाट्सएप पे जो मैसेजेस आ रहे हैं, जो फेक मैसेजेस आ रहे हैं, उन पर आप ध्यान न रखें, क्योंकि हमारे साथ लगातार डॉक्टर्स का एक खास पैनल जुड़ता है, हम अपने चैनल ITV ग्रुप की तरफ से लगातार इंडिया न्यूज हरियाणा के जरिए हम कोशिश यही कर रहे हैं कि लोगों को इन भ्रांतियों से दूर रखा जाए। तो आप ऐसे किसी भी पर ध्यान न दें, वैक्सीनेशन जरूर करवाएं, अगर आपको कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, आप डॉक्टर से संपर्क करें, हमारे साथ डॉक्टर्स का एक खास पैनल जुड़ा भी हुआ है। डॉक्टर अश्विना, आपके पास मैं आना चाहूंगी। देखिए, हम बात कर रहे थे महिलाओं में संक्रमण की दर की और पोस्ट कोविड जो इफेक्ट है उस पर आप बात कर रही थी, अपनी बात को आगे बढ़ाएं। महिलाओं में जो पोस्ट कोविड इफेक्ट एक्चुअली महिलाओं या पुरुष में कुछ भी हो सकता है, किसी को होता है और किसी को नहीं होता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन क्योंकि कोविड के इन्फेक्शन के बाद इम्यूनिटी पे बहुत असर होता है और भी शरीर की जो भी हमारी नेचुरल इम्यूनिटी है वो सारा लो हो जाती है, इसलिए किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन के लिए हमारी बॉडी वीक रहती है।
तो इसलिए स्पेशली कोविड इन्फेक्शन के बाद लोगों को अपनी इम्यूनिटी बूस्टअप करने के जितने भी तरीके हैं उसमें से घरेलू उपचार भी इंक्लूडेड है। आप ज्यादा से ज्यादा विटामिन सी लीजिए, विटामिन डी लीजिए, विटामिन का रोल बहुत ज्यादा होता है। अपने बॉडी को वार्म रखिए, योगा, एक्सरसाइज, मेंटली स्ट्रांग होना भी एक तरीके से उतना ही जरूरी होता है, क्योंकि जब हम किसी बीमारी से लड़ते हैं और इंसान मेंटली वीक होता है तो वो बीमारी हमारे पे हावी हो जाती है। मोस्टली पोस्ट कोविड में लोगों का मेंटल जो स्टेटस होता है वो भी काफी डाउन हो जाता है। बिल्कुल। हिसार से एक दर्शक हमारे साथ रवि जुड़ गए हैं। रवि जी, अपना सवाल कीजिए। मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहता हूँ, मैंने 10 दिन पहले कोविशील्ड का इंजेक्शन लिया था जी, तो उसके बाद लगातार मुझे जैसे बॉडी का टेम्परेचर ऊपर नीचे होता, कम ज्यादा होता है, तो मुझे छींकें आनी स्टार्ट हो जाती है और नाक बैंड स्टार्ट हो जाती है। इंजेक्शन लेने इससे पहले ऐसा कुछ नहीं था, इंजेक्शन लेने के बाद ये सिम्टम शुरू हुए हैं, ये तो क्या कारण है इसके बारे में? क्या आपको 10 दिन से लगातार ये सिम्टम्स है या फिर सिर्फ स्टार्टिंग के एक दो दिन आए थे? क्योंकि टेम्परेचर कम या ज्यादा होता है, जैसे मौसम चेंज हुआ, थोड़ी सर्दी हुई तो छींकें स्टार्ट होगी। इस समय जो कोल्ड है, देखिए जो कोविड के सिम्टम्स हैं और जो कॉमन फ्लू है, दोनों के सिम्टम्स एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, इसलिए वैक्सीन का इफेक्ट सिर्फ इतना मोस्टली लोगों में सिर्फ एक दिन का फीवर होता है जो कि विद इन 24 आवर्स आ जाता है। उसके अलावा अगर आपको कोल्ड टफ लग रहा है तो हो सकता है इस समय का जो मौसम है उससे रिलेटेड हो, क्योंकि बरसात के मौसम में इस समय मैक्सिमम लोगों में कॉमन फ्लू भी हो रहा है। तो बेटर कि आप एक बार जाके दिखा के जांच करा लीजिए कि एक्चुअली ये नॉर्मल फ्लू है या कोई और प्रॉब्लम है। अदर वैक्सीन का इफेक्ट जो होता है वो 10 दिन तक नहीं है। तो हम उम्मीद करते हैं कि उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। देखिए, हमारे नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आपके जहन में कोई भी सवाल है तो आप हमारे डॉक्टर से पूछ सकते हैं। जालंधर से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका क्या सवाल है? हमारा ये सवाल है कि कुछ लोग बता रहे हैं कि मतलब वैक्सीन लगने के बाद आदमी की लाइफ कम हो जा रही है, ऐसा क्या मतलब अभी कुछ दिन पहले ये सारे जो आपको साइंटिस्ट लोगों ने संसद में पूरा हल्ला हुआ इसके बारे में, तो ये क्या वैक्सीन कारगर सिद्ध है ये जो बनी है? लगातार हमारी कोशिश यही है कि हम आपको इन भ्रामक जानकारियों से दूर करने के लिए जागरूक कर सकें, और यही मकसद हमारे कार्यक्रम का है। लगातार हम बैठते हैं अपने डॉक्टर्स के साथ, बातचीत करते हैं, और डॉक्टर्स भी लगातार यही कहते हैं कि वैक्सीनेशन आप ज़रूर लें, इस तरीके की भ्रांतियों से दूर रहें। यही एक अभी उम्मीद की किरण है जो नज़र आ रही है, वो है वैक्सीनेशन, यही सुरक्षा चक्र बचा हुआ है कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर राज मेहता, देखिए अभी भी लोगों के मन में भ्रांतियां हैं, बहुत सारी सारे भ्रम हैं कोरोना को लेकर, लेकिन अब अगर हम बात करते हैं, आप चूंकि चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं तो बच्चों के मुद्दों पर आपसे ज्यादा बात की जाए। मेंटल हेल्थ की भी बात कर रही थी डॉक्टर अश्विना, मेंटल हेल्थ बच्चों की भी बहुत अफेक्ट हुई है इस कोरोना काल में। हमने देखा है कि सबसे ज्यादा बहुत सारी स्टडीज ऐसी सामने आई हैं जिनमें पता चला है कि बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं इस कोरोना काल में, मेंटल हेल्थ उनकी सबसे ज्यादा प्रभावित हुई, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? जी, आपने बहुत ही ज़रूरी मुद्दा उठाया है, क्योंकि फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ भी ज़रूरी है, और पिछले कुछ महीनों से हम लगातार देख रहे हैं कि ओपीडी में आने वाले बच्चों में से काफ़ी ऐसे बच्चे निकल के आ रहे हैं जिनको किसी ना किसी प्रकार का मेंटल हेल्थ इशू है ड्यू टू कोरोना। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल ना जाने की वजह से परेशान हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपने दोस्तों से ना मिल पाने की वजह से परेशान हैं, कुछ ऐसे हैं जो बीच में बीमार हो जाते हैं तो उस वजह से घर में रह के परेशान हैं। परंतु देखिए, जिस भी तरह की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इसका सबसे अच्छा समाधान यही है कि बच्चों को जहाँ तक हो सके हमें ज़्यादा जिसको कहते हैं पीसफुल एनवायरनमेंट और हेल्दी एनवायरनमेंट में रखना है। तो हमें उनको घर में एक अच्छा माहौल देना है, ज़्यादा टीवी के आगे नहीं बिठा कर रखना है, फिजिकल एक्टिविटीज में थोड़ा ज़्यादा इन्वॉल्व करना है। डॉक्टर राज मेहता, इसी सवाल के साथ मैं लौटूंगी। रोहतक से जय किशन एक दर्शक हमारे साथ इसी बीच जुड़ गए हैं। जय किशन जी, क्या सवाल है आपका? मेरा ये है मैडम जी, इस वैक्सीन से बहुत ही जनता भोली भाली डरती है, ये भ्रम फैला हुआ है कि एक अग्रवाल जो है ना एम्स का बहुत बड़ा डॉक्टर था, उसके दोनों डोज लग गई फिर भी उनकी मृत्यु होगी,
ये भ्रम आप दूर करने की कोशिश करो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं देहात में बैठता हूँ और सुनता हूँ इनसे, तो सभी इस चीज से घबराते हैं कि जी इसका क्या असर होगा, तो जरा आप इसके बारे में कुछ खोल जय किशन जी, आप बहुत सही कह रहे हैं और आप जैसे जागरूक लोगों की जरूरत है। आप देहात में बैठते हैं, गांव भी इससे अछूते नहीं है, कोरोना के जो मामले हैं वो गांव में भी बहुत ज्यादा फैलने लगे हैं, तो कोशिश यही है कि सब लोग मिलकर जागरूक करने की कोशिश करें, आप जैसे लोग भी लोगों को समझाएं इसके बारे में, वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। और देखिए इक्का दुक्का केसेस सामने आते रहते हैं, इस पर डरने और घबराने की लोगों को जरूरत नहीं है कि वैक्सीन लेने से कोई इस तरीके का साइड इफेक्ट होगा कि आपकी मृत्यु होगी या ऐसा कुछ भी, तो ऐसे में डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़ते हैं और देखिए वो बहुत ज्यादा बेहतर तरीके से इन सब चीजों को समझा सकते हैं, बता सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर राज मेहता, आपके पास मैं लौटूंगी इसी सवाल के साथ। देखिए हम बात कर रहे हैं बच्चों की मेंटल हेल्थ को लेकर और किस तरीके से उभरा जा सके इस कोरोना काल में, बच्चों को उभारा जा सकते जा सके, जो मेंटल हेल्थ है उसको दुरुस्त किया जा सके, इसको लेकर और किस तरीके की कोशिशें की जानी चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स को आप खासतौर पर क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए बच्चों के लिए ये कोरोना अलग तरह से काफी दिक्कत भरा रहा है, उन बेचारों का डेली रूटीन टूट गया, उनका पढ़ाई का शेड्यूल टूट गया, उनके दोस्त टूट गए, और पेरेंट्स को शायद लगता होगा कई बार कि इनकी तो मौज है घर में बैठे हैं, परंतु सच्चाई है कि हमसे भी ज्यादा परेशान शायद बच्चे हैं, क्योंकि हम लोग बाहर जाते हैं, काम करते हैं, अपने दफ्तर जा रहे हैं या जॉब पे जा रहे हैं, परंतु जो बच्चे हैं वो बेचारे कहीं नहीं जा पा रहे हैं, और पेरेंट्स जितने ज्यादा डरे हुए होते हैं उसको और ज्यादा लॉक कर देते हैं अंदर घर में, तो इस कारण से बच्चों की मेंटल हेल्थ भी खराब हो रही है, फिजिकल हेल्थ भी खराब हो रही है। और जो सर्वे हुए हैं अभी सर्वोलॉजिकल सर्वे, उसमें भी हमने ये पाया है कि बच्चों में ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट कर पाए हैं उनको घर बिठा के, यदि 5-7% का ही फर्क रहा है सिर्फ एडल्ट के मुकाबले में बच्चों में पाया जाने वाला जो एंटीबॉडी टेस्ट हमने किया था सर्वे, तो ऐसी सिचुएशन में हमें समझना पड़ेगा कि हमें एक बैलेंस अप्रोच लेने की जरूरत है, जहाँ तक हो सके हमें सोशल गैदरिंग से बचना है, हमें भीड़ में जाने से बचना है, और जो सोशल नॉर्म्स हैं कोरोना से बचने के लिए वो हमें फॉलो करने हैं, परंतु साथ में हमें ये भी ध्यान रखना है कि बच्चों को एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ फ्रीडम भी मिलता रहे, वो छत पे जाके खेले में खेल लें या बाहर मैदान में जाके अपनी गली में खेल लें, क्योंकि यदि बच्चे बाहर नहीं निकलेंगे तो शायद आने वाले समय में हम उनके मेंटल इल्थिस के लिए और भी ज़्यादा केसेस देखने वाले हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं डॉक्टर राज मेहता, और देखिए जो भी पेरेंट्स हमें सुन रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज़रूरी ये जानकारी है कि आप अपने बच्चों की मेंटल हेल्थ को कैसे दुरुस्त करें, कैसे संवारें, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है इस कोरोना काल में, बच्चे बहुत ज़्यादा सफ़र हुए हैं। डॉक्टर अश्विना सिंह, मेंटल हेल्थ बच्चों की ही नहीं महिलाओं की भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई है अगर हम बात करें कोरोना काल की, और वैसे भी बहुत सारी महिलाएँ डिप्रेशन का शिकार हुई हैं, बहुत सारी नई दिक्कतें महिलाओं के सामने आई हैं, उसको लेकर आप क्या राय रखती हैं, कैसे महिलाओं को इन सब से डिप्रेशन से खास तौर पर बचा जाए, क्या सलाह देना चाहेंगी? सही जानकारी, इस कोरोना के बारे में जो अफवाहें फैल रही हैं, लोग उसकी वजह से ज्यादा डिप्रेशन में आ रहे हैं, क्योंकि लोग गलत मैसेज समाज में ज्यादा जल्दी तेज फैलता है और सही मैसेज को फैलने में बहुत समय लगता है, तो बेसिकली जो कोरोना का डर है और उससे रिलेटेड जो गलत मैसेजेस लोगों के पास तक पहुंचते हैं, जैसा कि इन लोगों ने बोला कि वैक्सीन लगाने के 2 साल में मृत्यु हो जा रही, इन ये सब गलत जो मैसेजेस हैं जो व्हाट्सएप और इन सब चीजों से फॉरवर्ड हो रहे हैं, एक्चुअली में डिप्रेशन का कॉज यही है, लोग टीवी में और न्यूज में देखते रहते हैं इतने केस हुए, इतने लोगों की डेथ हुई, इतने लोगों को वैक्सीन लग गया फिर भी डेथ हुई, सारा जो डिप्रेशन का कॉज है ज्यादातर मेंटली लोग इसी वजह से ज्यादा वीक हो जा रहे हैं, उनको लग रहा है कि इसके साथ ऐसा हो गया तो मेरे साथ भी ऐसा हो जाएगा, तो एक्चुअली में अगर देखा जाए तो मेंटल हेल्थ सोशल मीडिया में जो गलत मैसेजेस जा रहे हैं उस वजह से ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, बाकी जिसको क्लियर मैसेज है कि अपने डॉक्टर जो भी नजदीकी डॉक्टर हैं जाके डॉक्टर से संपर्क करें, अगर आपको कुछ भी देना है तो उनसे सही जानकारी लें और उसके बारे में विचार करें, वैक्सीन के बाद जो डेथ हो रही है कुछ केसेस थे लेकिन इन्फेक्शन रेट देखा जाए कि जो वैक्सीन नहीं लेते हैं उनमें बहुत ज्यादा इन्फेक्शन रेट है, और जिनकी डोज कंप्लीट हो चुकी है, वैक्सीन कंप्लीट हो चुका है, उनकी इन्फेक्शन रेट बहुत ही ज्यादा कम है।
बिल्कुल डॉक्टर अश्विन, आप सही कह रही हैं। और देखिए, यहाँ महिलाओं को भी समझने की ज़रूरत है, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखने की बहुत ज़रूरत है। डॉक्टर राज मेहता, अगर हम बच्चों की बात करते हैं तो मेंटल हेल्थ ही नहीं बल्कि डिजिटलाइजेशन के इस दौर में हमने ये भी देखा कि बच्चों का स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया। बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, उसके चलते उनकी आइज़ में प्रॉब्लम हो रही है और बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। उस पर आप क्या सलाह देना चाहेंगे बच्चों को कि कैसे अपना ख्याल रखें, चूँकि अब यही एक विकल्प बचा हुआ है। हालाँकि स्कूल कई जगहों पर खुल गए लेकिन बावजूद इसके ऑनलाइन पढ़ाई को पेरेंट्स प्रेफर कर रहे हैं, तो ऐसे में जो मोबाइल का प्रभाव है बच्चों के ऊपर, जो स्क्रीन का प्रभाव है, उसको लेकर आप क्या राय देना चाहेंगे? जी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है, क्योंकि मुझे लगता था कि आज से 2 साल पहले जब ये कोविड नहीं था तो एज ए पीडियाट्रिशियन मैं हमेशा पेरेंट्स को मोटिवेट करता था कि आप अपने बच्चों को बाहर लेके जाइए, उनको पार्क में लेके जाइए, फिजिकल एक्सरसाइज में इन्वॉल्व कीजिए। और ये लॉकडाउन लगने की वजह से वो बच्चे बिल्कुल ऑपोजिट हो गए। तो बड़ा एक जोक भी चल रहा था कि मोबाइल को स्कूल में घुसने नहीं दिया जाता था, अब उसी मोबाइल को स्कूलों ने एक शिक्षा का माध्यम बना लिया। परंतु ये सच्चाई है कि अभी इस वक्त यही एक समाधान है, इसीलिए जितना हो सके उतना उसे रिस्ट्रिक्ट करने की जरूरत है, जहाँ तक हो सके इसका अब्यूज बंद करने की जरूरत है। तो हम लोगों को ये देखना होगा कि जब जरूरी है वो तब जरूर इस्तेमाल करें मोबाइल को, लेकिन जब जरूरी नहीं है कोशिश करिए कि सिर्फ पोएम सुनाने के लिए या गाने दिखाने के लिए या एंटरटेनमेंट के लिए इसका इस्तेमाल ना किया जाए और सिर्फ मजबूरी के लिए ही इसका इस्तेमाल किया जाए। ऐसा करने से एटलीस्ट हम अननेसेसरी एक्सपोजर तो बचा ही सकते हैं, और आने वाले समय में जब जैसे जैसे चीज़ें नॉर्मलाइज होंगी, स्कूल वापस खुलने लगेंगे, तो हम लोग वापस कोशिश करें कि जितना जल्दी हो सके इस मोबाइल को हम बंद कर सकें। बिल्कुल, मोबाइल से सीखा गया ज्ञान देखिए एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। बाई चांस हम कल लोग डॉक्टर्स की मीटिंग थी और हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे कि मोबाइल से होने वाले डिसएडवांटेज को हम कैसे रोक सकते हैं। तो उसमें यही सबसे बड़ा पॉइंट निकल के आया कि नंबर एक, अननेसेसरी मोबाइल यूजेज को हम रिस्ट्रिक्ट करें, और सेकंड इज कि हम मोबाइल से डिपेंडेंसी को बंद करें। हमें ये देखना होगा कि इससे लिया गया ज्ञान भी परमानेंट नहीं है, तो अगर हम इससे पढ़ा भी लेंगे बच्चों को तो ऐसा नहीं होगा कि वो उनके माइंड में कहीं बहुत अच्छे से घुस जाएगा। अल्टीमेटली आपको फिर से फिजिकल बुक पे तो आना ही है, तो जिस तरह जरूरत का करें और अननेसेसरी इस्तेमाल से बचें। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, यहाँ पर पेरेंट्स को समझने की ज़रूरत है। देखिए, बहुत सारे डिजिटलाइजेशन का जो दौर आया इस बीच, तो बहुत सारे विकल्प हमारे सामने आए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी आया कि इस टेक्निक की वजह से कितने बच्चे प्रभावित हुए हैं, कितने बच्चों को परेशानी का सामना भी करना पड़ा है। डॉक्टर अश्विना, मेरा सवाल आपसे है कि महिलाएँ जो कि बहुत किसी गंभीर बीमारी से ऑलरेडी ग्रसित हैं और फिर वो कोरोना का भी शिकार हो जाती हैं, तो ऐसे में ये खतरा हो जाता है, तो आप इस खतरे को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि जो ब्रेस्ट कैंसर का इशू है या फिर और इश्यूज हैं, वो बहुत नॉर्मल हो गए आजकल महिलाओं में, और फिर ऊपर से कोरोना की बीमारी की अगर चपेट में ऐसी महिलाएं आ जाती हैं, तो उनको अपना खास ख्याल कैसे रखना होगा? ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर, ये इंडिया में दो ऐसे कैंसर हैं जो बहुत ज्यादा कॉमन है महिलाओं में। जी, सर्वाइकल कैंसर सेकंड नंबर पे है। तो ऐसे में किसी भी कैंसर की डिजीज में हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बहुत लो हो जाती है, हमारी बॉडी की फाइट करने की क्षमता नहीं रहती है, और ऐसे में अगर कोई और गंभीर बीमारी हो जाती है जैसे कि कोरोना हुआ या कुछ भी, तो उसके उससे जो हमारा बॉडी फाइट, नॉर्मल बॉडी जो फाइट करता है वो फाइट भी नहीं कर पाता है। तो ऐसे केसेस में जिनको भी कोई कोमोर्बिडिटी है, डेथ रेट या फिर सीरियसनेस ज्यादा देखी गई है, तो ऐसे में यही एक उपाय है कि आप अगर अपनी बस इम्यूनिटी बढ़ाइए और प्रिकॉशन लीजिए। स्पेशली जो ऐसे कैंसर के मरीज हैं उनको ध्यान रखना चाहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग और जो भी हमारे नॉर्म्स हैं, हैंड वॉश है, हाइजीन है, सोशल डिस्टेंसिंग और इम्यूनिटी, इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है बिना किसी चूक के, क्योंकि जब एक बार हो गया, इम्यूनिटी ऑलरेडी लो है और ऑलरेडी बहुत सारी कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी उनको चल रही होती है, तो फिर प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर ऑलवेज। बिल्कुल, देखिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपका बचाव जो है वो उपचार से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत लोगों को ये समझने की ज़रूरत है। डॉक्टर राज मेहता, अगर हम बच्चों की इम्यूनिटी की बात करें तो उसको बूस्ट करने के लिए हालांकि बहुत सारी कोशिशें हो रही हैं, लेकिन वैक्सीन लग जाना, एंटीबॉडीज़ बन जाना, चूँकि एंटीबॉडीज़ भी एक पैमाना नहीं है कि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो गई है। बहुत सारे लोगों में भ्रम रहता है कि वैक्सीन लग गई, एंटीबॉडीज आपके भीतर आ गई तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो गई। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे बच्चों की इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के लिए और क्या एफर्ट्स करने होंगे? जी, ये बहुत जरूरी सवाल है।
तो इम्यूनिटी कोई ऐसी सिंगल चीज नहीं है कि कोई एक गोली खा लेने से या कोई एक पर्टिकुलर चीज खा लेने से ठीक हो जाएगी। इम्यूनिटी एक हमारा बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है जो सालों में हम सीखते हैं धीरे धीरे। जब बच्चा पैदा होता है कुछ इम्यूनिटी मदर से लेके पैदा होता है, उसके बाद धीरे धीरे जब बच्चा अलग अलग बीमारियों से छोटे मोटे वायरस से एक्सपोज होता है तो उसकी बॉडी उससे सीखती है। और यही पाया जा रहा है कि जैसे जैसे हम लोग मॉडर्नाइज कर रहे हैं सिटीज को और खाने पीने को अपने, तो हम लोग इन चीज़ों की इंपॉर्टेंस भूल रहे हैं। हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा क्लीन एनवायरनमेंट में रहते हैं, हमको पार्क वार्क नहीं जाने देते कई बार, या उनके हाथ मिट्टी में गंदे नहीं होने देते हैं, तो पानी भी उनको बिस्तरी आरो का ही पिलाते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि हमारे बच्चों को जो छोटे मोटे वायरसेज हैं या जिसको मैं भावता हूँ कि हमारी लर्निंग है इम्यूनिटी की, वो लर्निंग रुक जाती है, इसके कारण उनकी इम्यूनिटी बनती ही नहीं है ठीक से। और जब वो बड़े होते हैं उनके पास इम्यूनिटी कमजोर होती है, फिर किसी नए वायरस से जब एक्सपोजर होता है तो कई बार ऐसा होता है कि फिर वो उसकी बॉडी ठीक से उसको नहीं संभाल पाती है। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को अच्छी डाइट दें, और अच्छी डाइट का मतलब है समय पर दाल रोटी फल सब्जियाँ दूध दही जो हम खाते हैं नॉर्मली वो सब उनको समय पर दें, और साथ ही उनको एक नेचुरल इन्वायरमेंट में जीने का मौका दें, छोटी मोटी बीमारियों से नहीं डरें, और हल्का फुल्का जुकाम खांसी पे एंटीबायोटिक का अननेसेसरी इस्तेमाल ना करें, क्योंकि देखा गया है कि एंटीबायोटिक बार बार देने से भी बच्चों की इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बच्चों का खास ख्याल ऐसे ही रखना होगा तभी हम इस कोरोना काल में बच्चों को बचा सकते हैं। एक दर्शक हमारे साथ प्रीतम सिंह जुड़ गए हैं। प्रीतम सिंह जी क्या सवाल है आपका? हेलो जी मैडम जी, प्रीतम सिंह जी अपना सवाल कीजिए। हाँ मैंने वैक्सीन के ये टीके लगवाए थे दो, तो इसमें 1.5-2 महीना मुझे कुछ नहीं हुआ जी, तो उसके पश्चात मुझे हार्ट प्रॉब्लम आई है, हार्ट अटैक हुआ। तो आप इसको वैक्सीन से रिलेट करके कैसे देख रहे हैं? 2 महीने बाद अगर आपको हार्ट का इशू आया? मैडम मैं इसलिए देख रहा हूँ कि मुझे ना तो कोई शुगर हुआ, ना कभी मैं एक गोली भी नहीं खाई, मैं बिल्कुल हिस्ट पुष्ट रहा, मतलब मैं एक्सरसाइज सब कुछ करता था। तो अब ये खाली ऐसी प्रॉब्लम, मेरे को कोई शुगर नहीं कोई कुछ नहीं, तो ये क्यों आई है? मैं तो ये ला रहा हूँ, इससे मेरा कोई बैड इफेक्ट तो नहीं पड़ा? डॉक्टर राज मेहता आप इनके सवाल का जवाब देंगे, क्योंकि इन्होंने 2 महीने पहले वैक्सीन ली और वैक्सीन के बाद इनको हार्ट का इशू आया, और कहीं ना कहीं ये उसको वैक्सीन से रिलेट करके देख रहे हैं। आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 65 है जी। और आप क्या काम करते हैं? मैं रिटायर हुआ हूँ एक्साइज टैक्सेशन से, इंस्पेक्टर। ठीक है सर, देखिए ऐसा है जैसा कि आपने जो जानकारी दी है इससे यही मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि ये कोइंसिडेंस हो सकता है। 65 की एज में रिटायर्ड आप हैं जैसे जॉब से, तो इस एज में इस तरह के इश्यूज कई बार पाए जाते हैं, परंतु क्योंकि हमारी बॉडी पे कोई स्ट्रेस नहीं पड़ा होता तो हमारी बॉडी उसको ठीक ठाक मेंटेन कर रही होती है। तो ऐसी सिचुएशन में मैं आपको यही सजेस्ट कर सकता हूँ कि आप एटलीस्ट 6 मंथली एक रूटीन चेकअप अपना करा लीजिएगा, जिसमें जरूरी नहीं है कि सभी ब्लड टेस्ट इन्वॉल्व हो, सिंपल आप एक बीपी चेक कराना, शुगर चेक कराना, ठीक है, इस तरह के बेसिक, और अपना नॉर्मल डाइट और एक्सरसाइज का ध्यान दीजिएगा, और बड़े आराम से आप इसको पार पा सकते हैं। यह सोचना कि वैक्सीन की वजह से हुआ होगा ये हाईली अनलाइकली है, इट्स मोर ऑफ अ कोइंसिडेंस जो इसका साधन। तो अभी भी लोगों के भीतर एक भ्रम है, कहीं ना कहीं बीमारियों को वैक्सीनेशन से जोड़कर देखा जा रहा है, जो कि बहुत गलत है, और अगर आप ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं परेशानी जो है वो आगे आने वाले समय में बढ़ सकती है, अगर वैक्सीन से इस तरीके से डर के मारे बचेंगे। डॉक्टर अश्विना, हम बच्चों की डाइट की बात डॉक्टर राज से कर चुके हैं, आपसे मेरा सवाल यही है कि महिलाएँ डाइट को भी बहुत ज़्यादा इग्नोर करती हैं, तो कोरोना काल को या फिर नॉर्मल रूटीन में भी आप किस तरीके की डाइट सजेस्ट करना चाहेंगी महिलाओं को जो कि कामकाजी हैं, घरेलू हैं या जो भी पेशे में? जो डाइट होती है प्रेग्नेंट और नॉन प्रेग्नेंट दोनों में हम डिवाइड करते हैं। प्रेग्नेंट में डाइट थोड़ा सा बढ़ा देना चाहिए, और डाइट में भी कुछ पर्टिकुलर चीजें हैं जैसे फल फ्रूट ग्रीन वेजिटेबल्स ये सब ज्यादा लेना चाहिए, और जो भी ऐसे टेराटोजेनिक फ्रूट्स हैं विटामिन ए ये सब नहीं लेना चाहिए प्रेगनेंसी में, क्योंकि रिक्वायरमेंट एक तरीके से देखें तो एक ज्यादा बढ़ जाती है, 1.5 गुना बढ़ जाती है, क्योंकि बच्चे के सारा फॉर्मेशन हमारे मदर के ब्लड से ही होता है, बच्चे को जितने रिक्वायरमेंट होते हैं वो सारा मदर से ले लेता है, वो सारी कमियां मदर के ब्लड में आ जाती है।
जो कि हमें नॉर्मल डाइट से जो वो प्रेगनेंसी से पहले भी ले रही थी उससे भरपाई नहीं हो सकती है क्योंकि रिक्वायरमेंट बढ़ चुकी है। इसमें प्रेगनेंसी में उनको डाइट भी बढ़ा लेनी चाहिए, डाइट का मतलब फ्रिक्वेंट डाइट, छोटे हर दो घंटे पे थोड़ा सा कुछ खाना, स्नैक्स खाना, काजू किशमिश ये सब खाना, और कुछ अच्छी चीजें जैसे फ्रूट खाना, फ्रूट की आदत रेगुलर डेसिस पे जाना, दूध पीना और दूध में प्रोटीन और कैल्शियम ये सब चीजें ज्यादा जरूरी है। चलिए बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर अश्विना हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर राज मेहता आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कोरोना काल में लोगों को अपना खास ख्याल रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और जिस तरीके से लगातार लोगों के मन में सवाल वैक्सीनेशन को लेकर आ रहा है, वैक्सीनेशन से घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यही एक सुरक्षा चक्र है जो कहीं ना कहीं आपको कोरोना काल में कोरोना से बचाएगा, आगे आने वाली गंभीर परिस्थितियों से बचाएगा। इसी के साथ मेरे साथ इतना ही, नमस्कार।